नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया, मैं हूं राकेश। प्रधानमंत्री के गोद लिए वाराणसी में डुमड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय पर एक दबंग ने कब्जा कर लिया है। दबंग ने स्कूल की चारदीवारी गिराकर उसके चारों तरफ से अपनी चारदीवारी वाल करा दिया है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आइए देखते हैं वाराणसी से सुनील मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श ग्राम डोमरी में। आप जो ये सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये प्राथमिक विद्यालय डोमरी है, जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम का जो है प्राथमिक विद्यालय है एकमात्र। और यह विद्यालय सन 1956 से लगातार यहीं पर है और यहाँ के लोग पठन पाठन करते हैं। वर्तमान में यहाँ एक समस्या आई है कि एक दबंग द्वारा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पूरे विद्यालय की ज़मीन को घेरा जा रहा है, एक तरह से कब्जा किया जा रहा है। ये ग्राम सभा की ज़मीन है जो प्राथमिक विद्यालय को दी गई थी और इस पर कब्जा किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, पूरा बाउंड्री वॉल, कमर से भी ज़्यादा बाउंड्री वॉल उठा दिया गया है। ये ग्राम सभा की ज़मीन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ये प्राथमिक विद्यालय है जिसमें लगभग सैकड़ों बच्चे रोजाना ग्राम के और आसपास के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। और प्राथमिक विद्यालय की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और लगभग कंधे से ज़्यादा बाउंड्री वॉल उठ भी चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं, देखिए विद्यालय का पिछले हिस्सा में हम लोग जा रहे हैं। सन 1956 से यहाँ विद्यालय संचालित है प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम डोमरी में। और यहाँ पे बाउंड्री वॉल आप जैसा देख रहे होंगे, यहाँ पे पहले बाउंड्री वॉल था, इसको इसने जो कथित जो है दबंग है, इसने इसको देखिए ढहवा दिया है। और इसका कहना है कि पूरी विद्यालय की ज़मीन हमारी है। और ये देखिए बाउंड्री के साथ साथ, जो बाउंड्री कराए उसके साथ साथ लेप चूना का पुताई भी करवा चुका है और आधा से ज़्यादा हो भी चुका है। इसी बीच शनिवार को जो है यहाँ के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उनका विरोध किया और मामले को संज्ञान में लेते हुए सुजाबाद चौकी इंचार्ज आशीष मिश्रा यहाँ पे आए और उनके गतिरोध के बाद इसको रोक दिया गया। और जमीन की पैमाइश के बाद यह बताया गया कि यह उठाया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं पूरे विद्यालय की ज़मीन, यह दबंग जो है कथित, ये पूरे विद्यालय की ज़मीन हड़पना चाहता है। और वो अभी कोई आम गांव नहीं है, प्रधानमंत्री का आदर्श ग्राम डोमरी है। शासन प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा था कि इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल उठ गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। तो आइए हम ग्राम प्रधान जी से बात करते हैं डोमरी के। जी अपना परिचय बताएं। जी मेरा नाम छोटेलाल पटेल है जी, इस गांव का प्रधान हूँ। क्या मामला है प्रधान जी, बताइए जरा। सर ये मामला ये है कि ये सन 1956 से विद्यालय बना हुआ है और बगल के जो दबंग है व्यक्ति है वो आज से नहीं, आज 200 साल से यहाँ, पूर्व में यहाँ मारपीट भी कर चुका है। अच्छा, सैकड़ों की संख्या में आकर के यहाँ गांव वालों को मारा पीटा भी। कितने था? साल पहले लगभग हो गया होगा, 15 साल। अच्छा, 15 साल पहले एक बार और कोशिश किया था इसने, कोशिश किया था तो गांव वालों को विरोध जब किए तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में आकर के सबको मारा पीटा। उसमें बहुत बवाल मचा था, कैसे कैसे जाकर के रुका। उसके बाद जब गाँव वाले, जब ये कब्जा पुराना कब्जा है और जब फिर पुनः जब आ करके निर्माण करने लगा तो हम प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे हैं। गांव कब निर्माण शुरू किया है यहाँ पे इधर? आज के 15 दिन पहले से। अच्छा, 15 दिन पहले निर्माण शुरू किया इसने। अच्छा, हम लोग तब से भी सब जगह चिट्ठी लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, DM साहब को भी, SSP साहब को भी और PMO कार्यालय को भी। उसी दिन आपने लिखा चिट्ठी जब शुरू किया? हाँ जी, हम लोग गाँव वाले मिल करके चिट्ठी दिए, निवेदन भी किए और तब से हम चौकी पर जा करके, आशीष मिश्रा जी हैं चौकी इंचार्ज, उनसे जा करके कह रहे थे कि सर बाउंड्री वॉल उठ रही है, उसको रोका जाए। बाउंड्री वॉल जब ये जिस रात कोई बाउंड्री टूटी, हम जा करके उनसे कहे कि सर वो बाउंड्री वॉल भी तोड़ दिया। क्या जो विद्यालय की बाउंड्री वॉल था उसको तोड़ दिया उसने? जी जी, तोड़ दिया। तो फिर हम गए चौकी पर, चौकी इंचार्ज साहब से बोले तो कहे कि हम कहें का जो मेरा एप्लीकेशन दिया गया हो क्या आया कि नहीं, तो वो अनभिज्ञता जताया कि नहीं अभी तो नहीं आया है, हमको एक सप्ताह दिए हो गया था चिट्ठी। फिर उसके बाद हम कहे सर अगर यदि आप अभी चल करके वहाँ नहीं रोकेंगे तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, गांव वाले आक्रोशित हैं। तो आशीष मिश्रा जी साथ में आए, जब
आशीष मिश्रा जी साहब में आए, वो जो व्यक्ति बाउंड्री करवा रहा है वो भी आया, यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो गया। सब गांव वाले मौजूद थे, लड़ने के लिए तैयार हो गया कि हम बनवाएंगे, देखते हैं कि अब कोई क्या करता है। अच्छा, तो हम लोग भी कहे कि आप कैसे बनवा लोगे, हम लोग भी देखेंगे, एक ईंट भी हम लोग रखने नहीं देंगे। उसी बात पर दरोगा जी समझाए कि आप क्या चाहते हैं, तो गांव वाले हम सब मिल करके ये बोले कि सर अगर विद्यालय के बीच जितनी जमीन है, पहले 1956 से विद्यालय बना है, 1964 का ही बता रहे हैं कि हम रजिस्ट्री कराए हैं, तो क्या रजिस्ट्री करवाए तो क्या उसमें 1956 में विद्यालय नहीं बना था, उसमें पंचायत भवन नहीं था, उसके पास हमारे पास गांव वालों के पास सभी प्रमाण है, हम लोग प्रमाण दे सकते हैं। जब वो रजिस्ट्री कराए तो पंचायत भवन था, आज उसका फोटो हम लोग के पास। अच्छा, यहाँ पहले पंचायत भवन भी था, वहाँ था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पंचायत भवन था पहले, जी खास दिख रही वहाँ जी जी जी, जबरदस्ती वो तोड़ दिया है। अच्छा अच्छा, तोड़ के बुलडोजर चलवा के तोड़वा दिया। अच्छा, तोड़वा के हटा के एकदम देखिए वो मैदान है, अब कहता है मेरी जमीन है। जब वो रजिस्ट्री कराया होगा तो पंचायत भवन जब रहा होगा तो चौहद्दी में लिखना चाहिए, उसको देना चाहिए ना कि यहाँ पंचायत भवन है। अच्छा, जो जो गांव का नक्शा है उसमें क्या चित्रित किया जा रहा है? उसमें गांव के नक्शे में यहाँ 1920 के लगभग ये खंडक है, उस समय 1956 में 650 में हमारा विद्यालय बना था, यहाँ साहूपुरी केमिकल्स का बाउंड नाली है, वो इसी नंबर में 8 गया है, तो वो सभी को लेकर के बता रहे हैं कि हमारी जमीन है। पूरे प्राथमिक विद्यालय पर एक तरह से कब्जा करना चाहते हैं, पूरे वो कहते हैं कि पूरे विद्यालय ही हमारा है, ये तो हमारे सहयोग से हमारे कृपा से चल रहा है। बताइए क्या प्रशासन है और क्या यहाँ की सरकार है कि प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम में ही एक खुलेआम जो है कब्जा किया जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय जो कि सरकारी विद्यालय होता है, और प्रधान जी ने बताया कि 1956 से विद्यालय संचालित है, 64 में इसने किसी तरह से फर्जी तरीके से कोई फर्जी रजिस्ट्री इसने करवाई है, और उसके बाद इसने पंचायत भवन को भी बुलडोजर से गिरवा दिया, और आज से 12 पहले इसने कोशिश की थी कब्जा करने की, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के आक्रोश के आगे उसकी न चली और इधर वो फिर से कब्जा करने लगा। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि कब्जा जब इस बाउंड्री शुरू किया तभी प्रधान जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय जो वाराणसी में है, मुख्यमंत्री और डीएम और एसएसपी के यहाँ इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि ग्राम सभा की जमीन जो है जबरन।